हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज के इस बुक रिव्यू की सीरीज में मैं एक बुक की हाइलाइट्स के बारे में बात करने वाला हूं, उसके टेबल ऑफ कंटेंट यानी कि इंडेक्स और उसका एक सैंपल चैप्टर के बारे में बात करने वाला हूं। हालांकि इसके ऊपर एक डिटेल रिव्यू वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, अगर आप उस पुराने वाले डिटेल वीडियो को देखना चाहते हैं, साथ में यह भी जानना चाहते हैं कि कैसे मैं इसमें डिस्काउंट कूपन अप्लाई करके इसकी बुक के प्राइस से काफी कुछ डिस्काउंट ले सकता हूं, जो आपकी बुक की एक्चुअल प्राइस है 1600 रुपए, इससे भी आपको कम में मिल जाएगा, उसका भी प्रोसीजर उसी वीडियो में एक्सप्लेन है। लेकिन आज के वीडियो में आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में काफी सारी जानकारी लगी हुई है, कूपन कोड लगा हुआ है, जिसे आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट से कार्ट पे ट्रांसफर करने के बाद कूपन कोड को अप्लाई करके डिस्काउंट में ले सकते हैं। आज की जो बुक है जिसके बारे में बात करने वाला हूं, यह है टेक्स्ट बुक ऑफ फार्माकोलॉजी बाय भंडारी। यूं तो फार्माकोलॉजी की कई सारी बुक्स की रिव्यू मैंने की हुई है, उन अलग अलग बुक में अलग अलग खास बात है, इसके बारे में भी जो खास बात है वो मैंने आपको अपलोड किया था, लेकिन टेबल ऑफ इंडेक्स की डिटेलिंग मैंने नहीं करी थी क्योंकि वो बहुत लंबा समय लग जाता है। सो हमें से जरूरत पड़ी कि इसके टेबल ऑफ इंडेक्स का यानी कि कंटेंट का एक डिटेलिंग दे दूं कि क्या क्या आपको मिलता है। अगर आप बी फार्मेसी 4th सेमेस्टर में है, 5th सेमेस्टर में है, 6th सेमेस्टर में है, एमबीबीएस के स्टूडेंट हैं या कोई भी ऐसे डिसिप्लिन के स्टूडेंट हैं जिसमें फार्माकोलॉजी एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, तो आपको यह बुक काम आएगी। मैं आज का वीडियो स्पेशल रेफरेंस टू फार्मेसी स्टूडेंट बना रहा हूं, तो उनके अलग अलग सेमेस्टर में, क्योंकि अब आप स्टार्ट करने वाले हो फार्माकोलॉजी को, तो उनके अलग अलग सेमेस्टर में कौन कौन से टॉपिक आपको इस बुक में कवर होगी उसके बारे में बता दूं। यह भी बता दूं कि यह जो बुक है वो एक बहुत ही अच्छी इंटरनेशनल पब्लिशर के द्वारा पब्लिश की गई है और इसका नाम है, आप देख सकते हैं, थीम मेडिकल पब्लिशर, और इसके जो राइटर है वो बहुत ही सिंपल तरीके से इस फार्माकोलॉजी को एक्सप्लेन करी हुई है कॉन्सेप्ट को। तो चलिए आज के इस डेडिकेटेड वीडियो में हम बात कर लेते हैं इनके टेबल ऑफ कंटेंट यानी कि इंडेक्स और कुछ एक सिंपल सा एक हाइलाइटेड चैप्टर देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि एक्चुअली इस बुक के अंदर आपको क्या क्या मिलने वाले हैं। जैसा मैं यहां पर एक्सप्लेन कर रहा हूं पैरेलली आप अपने स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो अपना सिलेबस उठा करके इससे टैली कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसका पहला पार्ट होता है जनरल फार्माकोलॉजी। जनरल फार्माकोलॉजी है क्या चीज? जनरल फार्माकोलॉजी मतलब आपकी पूरी फार्माकोलॉजी का बेस है। घर बनाने वाले होते हो आप, तो घर की शुरुआत जब हम करते हैं नींव से, तो वो होता है जनरल फार्माकोलॉजी। अगर आपने जनरल फार्माकोलॉजी के बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छे से ग्रास्प कर लिया है तो आने वाले सेमेस्टर्स में आपको उसी कॉन्सेप्ट में कहीं कोई इश्यूज नहीं होने वाले हैं। अगर आपको पता है फार्माकोडायनेमिक क्या है, काइनेटिक क्या है, एडीआर क्या है, रिसेप्टर ड्रग इंटरेक्शन क्या है, उनके मैकेनिज्म क्या है, लिगैंड गेटेड चैनल क्या है, तो फिर आपको आगे क्या समस्या आएगी, आपका कॉन्सेप्ट तो क्लियर है। लेकिन किसी भी कारण से, चाहे वो ऑनलाइन एग्जामिनेशन हुआ हो या पैंडेमिक सिचुएशन की वजह से एग्जाम में कुछ चेंजेस हुए हो, पैटर्न में चेंजेस हुए हो, तो आपके डेफिनेटली बेसिक्स तो कंफ्यूजन से निकल गए होंगे। तो आज भी जरूरत है कि आप निकल तो गए हो उस सेमेस्टर से, लेकिन बेसिक्स को दोबारा से क्लियर करिए, वरना आपको आगे हमेशा परेशान करते रहेगा। इस जनरल फार्माकोलॉजी के अंदर आप देखोगे डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी, आप पढ़ोगे डिफरेंट सोर्सेस ऑफ ड्रग, इसके साथ साथ पढ़ेंगे हम रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जिसका मैं आपको एक सैंपल चैप्टर दिखा दूंगा साथ में, फिर पढ़ेंगे हम फार्माकोकाइनेटिक, अगला टॉपिक होगा आपका फार्माकोडायनेमिक, ड्रग इंटरेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ये ड्रग इंटरेक्शन हायर सेमेस्टर्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, और अगर आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आप फार्माकोलॉजी के साथ साथ एमडी की भी तैयारी कर रहे हो, तो आपको ये ड्रग इंटरेक्शन एक मेजर पार्ट होता है जिसमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके बाद एडवर्स ड्रग रिएक्शन, इसके जो मॉनिटरिंग है और इसके जो फार्माकोविजिलेंस है, और फार्माकोविजिलेंस इतना इंपॉर्टेंट हो चुका है कि ये 8th सेमेस्टर में एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट ही दे दिया गया है। सो यहां पे एक टॉपिक के अंदर का सब टॉपिक है, बट 8th सेमेस्टर में एज अ होल सब्जेक्ट ये है, इसीलिए बेसिक्स आपको क्लियर करते रहना चाहिए। ऑक्यूपेशनल एंड एनवायरमेंटल पेस्टिसाइड हमको पढ़ना पड़ेगा, फूड और दूसरे जो एडल्ट्रेंट्स होते हैं जिनकी वजह से हमको पॉइजनिंग होती है, वो आप जनरल फार्माकोलॉजी में पढ़ोगे, और ये आपके 6th सेमेस्टर का पार्ट है टॉक्सिकोलॉजी के अंतर्गत। मैनेजमेंट ऑफ कॉमन पॉइजनिंग इंसेक्टिसाइड एंड कॉमन साइन एंड सिम्टम्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसेक्ट बाइट्स, ये भी आपके 6th सेमेस्टर के टॉक्सिकोलॉजी का एक पार्ट है। फिर हम पढ़ेंगे न्यू ड्रग अप्रूवल प्रोसेस एंड क्लिनिकल ट्रायल, ये आपके 4th सेमेस्टर में भी आएगा, ये आपके फार्मास्यूटिकल्स में भी आएगा, जीपैट में भी क्लिनिकल ट्रायल के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं, और आज के इस पेंडेमिक सिचुएशन में ये कोरिलेट करता है आपके क्वेश्चंस को, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है। कितने टाइप्स ऑफ क्लिनिकल ट्रायल होते हैं, कौन कौन से फेजेस होते हैं, किसका क्या दूसरा नाम है, कितने ह्यूमन वॉलंटियर्स को यूज करते हैं, किसमें हेल्दी को यूज करते हैं, किसमें डिजीज वाले को यूज करते हैं, क्या क्या ध्यान रखते हैं, सब इसमें से पूछे जा सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे फार्माकोजेनोमिक्स एंड फार्माकोजेनोमिक्स, ये क्या है, डीएनए के साथ, जीन के साथ कैसा कोरिलेशनशिप है आपके ड्रग का, वो इसके अंदर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है आपका डाइटरी सप्लीमेंट एंड न्यूट्रास्यूटिकल्स, इमर्जिंग ट्रेंड है आपके न्यूट्रास्यूटिकल्स का, कई सारे आपने प्रोडक्ट मार्केट में देखे हो पेंडेमिक सिचुएशन में, तो ये डाइटरी सप्लीमेंट क्या है और ये न्यूट्रास्यूटिकल्स क्या है, ये भी आपको इसी जनरल फार्माकोलॉजी के
अंदर देखने को मिलेगा। ये काफी बड़ा सिलेबस कवर करता है, ईच एंड एवरी डिसिप्लिन को मैनेज करने की कोशिश करी गई है। हालांकि 100% तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन ऑलमोस्ट 95% इसमें कवर होगा अगर आप कोई भी सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं, फार्माकोलॉजी आप पढ़ रहे हैं तो। इसके बाद है आपका ड्रग रेगुलेशन एक्ट DRA, ये भी एक मेन सब्जेक्ट है आपके 8 सेमेस्टर में एज अ इलेक्टिव सब्जेक्ट, वहां पे आप देख सकते हो। और कोई जो लोकल एस्पेक्ट होते हैं उस ड्रग के मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड रेगुलेशन के अकॉर्डिंगली, वो भी आप देखेंगे ब्रीफिंग में। इसके बाद है प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग, ऑब्वियसली ये आपके फार्मास्यूटिस्ट का पार्ट है और MBBS का एक मेजर पार्ट है। प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग क्या है, कैसे प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग करते हैं, हर एक कंटेंट का यानी कि हर एक जो फैक्टर है, फॉर्मेट है, उसका क्या बेसिक मतलब है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ RX, व्हाट इज बेस इन डाइस, व्हाट इज बेस इन सिमेंडा, ऐसे जो सिंपल लैटिन वर्ड यूज किए जाते हैं उनका क्या मतलब है, क्या एब्रीवेशन है, ये आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद है बेसिक एस्पेक्ट ऑफ जेराटिक एंड पीडियाट्रिक फार्माकोलॉजी, ये पोजोलॉजी के अंदर हम पढ़ते हैं, ये भी आपके मेन सेमेस्टर का एक पार्ट है कि बच्चों को आप कितना डोज दोगे, जो बुजुर्ग हैं उनको कैसे डोज दोगे, डोज कैलकुलेशन के कौन कौन से मेथड हैं, ये भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा और काफी सिंपल लैंग्वेज मिल जाएगा। अगला आपका नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम के अंदर कौन कौन सी स्कीम चलती है, डेफिनेटली आपको जानना चाहिए क्या कि फार्मेसी का सिलेबस का नहीं है, APHE में जो फर्स्ट सेमेस्टर में है हेल्थ एजुकेशन उसके अंदर जरूर इंक्लूड किया जा सकता है, और सोशल एंड कम्युनिटी फार्मेसी के अंदर भी ये टॉपिक इंक्लूड किया जाएगा अगले आने वाले 8 सेमेस्टर में। फिर हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की, जो कंटेंट का मेजर हिस्सा है वो है ड्रग अफेक्टिंग ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। जब कभी भी बात आती है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, तो थोड़े से वहां पे कंफ्यूजन क्रिएट होते हैं क्योंकि उसके जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज्यादा इजी नहीं होते हैं, क्योंकि हमको पढ़ना पड़ता है कौन से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहे हैं, कौन कौन से बेसिक स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं, CNS में क्या हो रहा होगा, NS में क्या हो रहा होगा, ये हमको थोड़ा सा कुछ केमिकल्स के नाम को याद रखने पड़ते हैं। यहां भी कॉन्सेप्ट को रेफरेंस डायग्राम के साथ काफी अच्छे से समझाया गया है, टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है, डिटेल रिव्यू में मैंने किया हुआ है, मैं फिर से कहूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चाहे तो आप इसको देख सकते हैं और डिस्काउंट के साथ ले भी सकते हैं। इसके अंदर है इंट्रोडक्शन टू नर्वस सिस्टम, बेसिक नर्वस सिस्टम कौन कौन से होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल है एक लाठी है यानी कि आपका सर और आपका स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि आपका ब्रेन और आपका स्पाइनल कॉर्ड, यह सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। आपके आसपास जो सिस्टम है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। इसके अंदर पढ़ोगे कोलिनर्जिक सिस्टम, जो एसिटाइल कोलीन है वो क्या काम करता है, कैसे काम करता है, बायोसिंथेसिस क्या है, स्टोर क्या है, रिलीज क्या है, डिग्रेडेशन क्या है, इसके कौन कौन से एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट होंगे हम इसके अंदर ये पढ़ेंगे। एंटीकोलिनर्जिक कौन से ड्रग जो कोलिनर्जिक सिस्टम को अपोज करते हो, कोलिनर्जिक की वजह से कई सारे एडवांटेज भी होंगे तो कई सारे साइड इफेक्ट भी होंगे, एक्सेसिव स्वेटिंग होगी, हाइपर एसिडिटी होगी, तो उसको कैसे कंट्रोल करोगे एंटीकोलिनर्जिक ड्रग देकर के, वो यहां पे आप पढ़ोगे। ना केवल एंटीकोलिनर्जिक ड्रग बल्कि साथ में पढ़ेंगे एट्रोपिन और पढ़ेंगे इसके सब्स्टिट्यूट के बारे में भी। अगला है आपका स्केलेटल मसल रिलैक्सेशन, हमारे स्केलेटल मसल को रिलैक्स करने वाले ड्रग कौन कौन से हैं ये हम पढ़ेंगे। जो आपने पढ़ा होगा कि पहले जमाने में लोग तीर में कुछ डुबो करके मारते थे तो जो एनिमल्स थे वो वहीं पे पैरालाइज हो जाते थे, तो ये क्यूरेर वगैरह जो होते थे वो कैसे काम करते हैं, क्या उनके एग्जांपल है वो हम पढ़ेंगे। कमिंग टू नेक्स्ट मदर इज एडिनर्जिक सिस्टम एंड एडिनर्जिक ड्रग, कोलिनर्जिक पढ़ा हम लोगों ने, अब एडिनर्जिक सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से रोल हैं इसके, फिजियोलॉजिकल रोल हैं, फार्माकोलॉजिकल रोल हैं, एडिनर्जिक ड्रग कौन कौन से हैं। नेक्स्ट उसके बाद है एडिनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर यानी कि एंटी एडिनर्जिक ड्रग, एडिनर्जिक सिस्टम के रिस्पेक्टिव रिसेप्टर्स पे बाइंड होने की वजह से जो भी एक्शन हमको मिल रहा होगा अगर हम उसके एक्शन को नहीं चाहते हैं तो उसको उसके रिस्पेक्टिव रिसेप्टर पे बाइंड होने से रोकना होगा, वो कहलाता है रिसेप्टर ब्लॉकर। और वो हर एक चीज जानकारी इस टेबल ऑफ इंडेक्स के फॉर्म में आप देखते भी चल रहे हैं, जहां पे लगता है कि आपको पॉज करके देखना चाहिए आप पॉज कर लीजिएगा, या अगर आप चाहते हैं कि इसके सैंपल टॉपिक को भी देखें तो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं पार्ट 3 पे, तो ड्रग अफेक्टिंग कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, कीमोथेरेपी भी हो गया एक और यहाँ पर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हो गया, ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं सेमेस्टर एग्जाम में एज वेल एज डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए इसके अंदर क्या मिलेगा, आपको मिलेगा रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, हमारी बॉडी में जो ब्लड फ्लो होता है इसको रेगुलेट करने के अलग अलग फीडबैक मैकेनिज्म होते हैं, जो हमारी बॉडी के ब्लड के प्रेशर के फ्लक्चुएशन को टेम्परेली शॉर्ट टर्म के लिए मैनेज करने की कोशिश करते हैं, जिनमें आपका रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम जिसे हम RAAS सिस्टम कहते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कैसे रेनिन निकलता है, कैसे एंजियोटेंसिन 1 से कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन 2 में, फिर आगे का प्रोसेस कैसे होता है, कैसे वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होंगे, कैसे बीपी का हायर होगा, कैसे इसको आप मैनेज करोगे, कैसे ACE यानी कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम
पार्टिसिपेट करता है और कैसे हम इसके ब्लॉकर यानी कि एसी इनहिबिटर को यूज करते हैं और वो किस स्टेप पे काम करता है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से आप देख पाओगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एंटी एंजाइनल एंड ड्रग ट्रीटमेंट फॉर मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन 1 और इसी का दूसरा पार्ट है एंटी एंजाइनल एंड ड्रग ट्रीटमेंट फॉर मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन 2। तो ये दो बड़े बड़े टॉपिक हैं, इसलिए दो अलग पार्ट में दिया है। फिर आप देखोगे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर CHF जो कि एक मेजर प्रॉब्लम होकर आ रही है आज के डेट में, इनके बारे में आपको डिस्कशन मिलेगा। अगला है आपका एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, बहुत ज्यादा यूजफुल है क्योंकि आजकल देखिए हर तीसरा चौथा व्यक्ति आपको हाइपरटेंशन का दिखेगा, चाहे कोई भी रीजन हो, फैमिली हिस्ट्री हो ना हो, डाइट तो इशू है ही है। तो कौन कौन से कारण है, स्ट्रेस कौन कौन से कॉज के कोई रिस्पॉन्सिबल है, कैसे हाइपरटेंशन होता है, कौन से ड्रग रिस्पॉन्सिबल इसको मैनेज करने में, इनका मैकेनिज्म क्या है, बड़ा सिंपल तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। आगे बात करिए तो अगला आपका फार्माकोथेरेपी फॉर शॉक, शॉक का इलाज क्या है, शॉक के टाइप कितने हैं, क्या वो हाइपोवोल्यूमिक है, क्या वो एनाफाइलेक्टिक है, क्या वो आपका सेप्टिक शॉक है, ये क्या है, इनके टाइप्स क्या है, इनका ट्रीटमेंट क्या है, सब आपको यहां पर मिल जाएगा। आगे है आपका एंटी एरिथमिक ड्रग, हार्ट रेट कहीं टू फास्ट तो नहीं हो जा रहा है, क्या आपका हार्ट रेट बहुत टू स्लो तो नहीं हो जा रहा है, इररेगुलर तो नहीं हो रहा है, जो नॉर्मल है उससे बहुत ज्यादा, जो नॉर्मल है उससे बहुत कम है, हाँ अगर ऐसा है तो वह एरिथमिया है, इनके बारे में आपको जानकारी मिलेगी, री एंट्री फिनोमिना के बारे में जानकारी मिलेगी। Each and everything related to arrhythmia will be updated here in this topic under this substance of cardiovascular section. अगला हमारा है part 4 renal pharmacology. ऐसे drugs, ऐसी pharmacology of the particular drug जो कि आपके kidney या इसके functions related करती है, renal pharmacology के अंतर्गत आ जाएगा। ये भी काफी लंबा topic है। इसके बाद drug affecting central nervous system, हमने autonomic nervous system पढ़ा था, अब आप बात करिए central nervous system की, उसके अंदर क्या क्या है, इसके अंदर है basic introduction to central nervous system, ये जो पेपर में यूज कर रहा हूं पैरेलली आप यहां पे देखते चलिएगा। इसके बाद है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जनरल एनेस्थेटिक, अगर पूरी बॉडी को मुझे बेहोश करना है, कोई मेजर ऑपरेशन करना है, तो उसके लिए आप जनरल एनेस्थेटिक यूज करोगे। क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, क्लासिफिकेशन क्या है, विल बी डिस्कस इन दिस टॉपिक। अगला है लोकल एनेस्थेटिक, हालांकि कुछ बुक में इसको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर डाला गया है, बट कुछ जगह इसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर डाला गया है, सो डजंट मैटर किसके अंदर टॉपिक है, बट द मैकेनिज्म एंड द ड्रग्स इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस आर सेम एंड विल बी सेम। इसके अंदर है लोकल, कोई लोकल पर्टिकुलर पार्ट को देखना चाहे कैसे एनेस्थेटिया काम करता है। इसके बाद है सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स, व्हाट आर बेसिक डिफरेंस बिटवीन सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स, सेडेशन तो कॉज करेंगे दोनों, बट एक नींद कॉज नहीं करता सेडेटिव और नींद कॉज करता है आपका हिप्नोटिक्स, तो यू विल गेट एवरी डिटेल इन दिस टॉपिक। इसके बाद है अल्कोहल, ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे अल्कोहल का क्या फर्क पड़ता है, कैसे ये एब्यूसिबल सब्सटेंस बनता है, कैसे एडिक्शन कॉज करता है, और इसको इनहिबिट करने वाले जो डाइसल्फ्यूरॉन कैटेगरी के ड्रग हैं, एंटी अल्कोहलिक ड्रग हैं, वो कैसे काम करते हैं। फिर आपको मिलेगा एंटी एपिलेप्टिक ड्रग, जो एपिलेप्सी की प्रॉब्लम है, सीजर जो इसमें जनरेट होते हैं, वो क्या है, कैसी फिजियोलॉजी है, क्या बेसिक रोल होता है, कौन से ब्रेन के हेमिस्फीयर का कौन सा लोब अफेक्ट होता है, तो कौन सी प्रॉब्लम नजर आती है, वो आप देखोगे उसके ट्रीटमेंट के साथ में। नेक्स्ट आपका एंटी पार्किंसन ड्रग एंड ट्रीटमेंट फॉर अल्जाइमर डिजीज, पार्किंसन क्या है, कैसे इंबैलेंस होता है आपके एसिटाइलकोलाइन और डोपामिन का, कैसे न्यूरोडीजेनरेटिव डिजीज आपको देखने को मिलते हैं अल्जाइमर डिजीज में आप देख पाओगे। इसके बाद है सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेंट इन इट्स यूज एंड इट्स अब्यूज, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करने वाले ड्रग के काफी अच्छे यूज होते हैं, बट जहां पे यूज होती है वहीं पे साइमल्टेनियसली इसके मिसयूज यानी कि अब्यूज भी हो सकते हैं। तो वो क्या है, कैसे होते हैं, कैसे सीनस का स्टिमुलेंट काम करते हैं, कैसे डिप्रेशन से निकाल करके बाहर लेके आते हैं और कैसे यूफोरिया की जिंदगी में लेके जाते हैं, यहां पे आपको जानकारी मिल जाएगी। इसके बाद है आपका ओपियोइड एनाल्जेसिक, सीवियर पेन हो रहा होगा तो कैसे ओपियोइड एनाल्जेसिक काम करते हैं उनके बारे में जानकारी मिलेगी। मैं आपको टच कर रहा हूं कि इंटरेस्ट क्रिएट हो सके, एक दोस्त होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट एक जो बुक होता है वो उस दोस्त से भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जानकारियां आपको कलेक्ट कर के देते हैं। अगर आपको लगता है कि मेरे पास एक तो फार्माकोलॉजी की बुक है, जो भी बुक आपके पास रही होगी, उसके अलावा मुझे और बुक की जरूरत क्या होती है, भाई जब हम अपने कपड़े का स्टॉक बहुत सारा रखते हैं, हम यूजलेस चीजों का स्टॉक बहुत सारा रखते हैं, जूते का स्टॉक बहुत सारा रखते हैं, कई चीजों का अलग स्टॉक रखते हैं, तो जो आपकी लाइफ को बना सकता है, क्या आप उसका एक कलेक्शन नहीं कर सकते। ये जो बुक्स होते हैं ना, हर एक बुक का अपना एक खास बात होता है, अपने राइटर का एक खास बात होता है, पब्लिकेशन का एक खास बात होता है। तो मैं ये तो नहीं कह रहा कि आप सारे बुक खरीद लीजिए, लेकिन अगर पॉसिबल है तो कुछ बुक्स को जरूर देखिए, एटलीस्ट देखिए, आपको लगता है कि ये चीजें काम की है तो अपने शेल्फ में उसको जगह दीजिए, अपनी एक मिनी लाइब्रेरी क्रिएट करिए। बुक पुराने हो सकते हैं, एडिशन पुराना हो सकता है, बट जो बेसिक्स हैं वो कभी चेंज नहीं होंगे। हाँ, नए ड्रग ऐड हो सकते हैं, रिमूव हो सकते हैं, बट कॉन्सेप्ट विल बी ऑलवेज सेम, चाहे आप 100 साल आगे जाओ, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन नजर आएंगे अगर कॉन्सेप्ट चेंज होता है तो, अदरवाइज रेस्ट विल बी सेम।
आगे बात करते हैं हम, अगला टॉपिक हमारा वह ऑटोकॉइड्स का, लोकल हार्मोन जिसको बोलते हैं। हिस्टामिन पढ़ेंगे इसके अंतर्गत, एंटी हिस्टामिक ड्रग आप देखोगे, फिर आप बात करोगे सेरोटोनिन 5-HT के बारे में, इसके एगोनिस्ट, इसके एंटागोनिस्ट, एर्गोट अल्कलॉइड के बारे में पढ़ेंगे हम, एंड ड्रग ट्रीटमेंट फॉर माइग्रेन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सेमेस्टर का, वो पढ़ोगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे इकोसोनाइड पढ़ेंगे, प्रोस्टाग्लैंडिन पढ़ेंगे, थ्रोम्बोक्सिन पढ़ेंगे, लीकोट्रिंस पढ़ेंगे, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स के बारे में पढ़ेंगे, ये कैसे इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं, कैसे पेन को स्टार्ट करते हैं। फिर हम पढ़ेंगे NSAID, non-steroidal anti-inflammatory drug, what are the basic classification, which is selective, which is preferential, which is not selective, क्या adverse effect है, क्या useful है, ये इसके बारे में discuss करोगे। Next आपका rheumatic arthritis along with gout, ये दोनों major problem हो चुके हैं बुजुर्गों के लिए, इनके बारे में आप देखोगे, physiology देखोगे, treatment देखोगे। तभी कुछ next section, that is drug used in respiratory system से affect करने वाले drug कौन-कौन से हैं, pharmacology of bronchial asthma, अस्थमा क्या है, कैसे सांस लेना कम हो जाता है, कैसे इन्फ्लेमेशन होता है, कैसे म्यूकस बढ़ता है, कैसे कॉन्स्ट्रिक्शन ब्रोंकोस्पाज्म होता है, कैसे ठीक कर सकते हैं इसको, इसके अंदर जानकारी आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट है ड्रग ट्रीटमेंट फॉर कफ, जब हम कफिंग करते हैं तो उस कफिंग की क्या प्रिंसिपल है, ये क्यों होता है, कफ टस्क में क्या अंतर है, प्रोडक्टिव और नॉन प्रोडक्टिव कफ कैसे होते हैं, कैसे जो हम चॉकलेट खाते हैं ना, चाहे स्ट्रेप्सिल्स हो, विक्स हो, लोजेंजेस हो, वो कैसे काम करते हैं, और कफ सिर्फ अलग अलग के कैसे होते हैं, कैसे काम करते हैं, उनके बारे में डिटेल आपको मिल जाएगा। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज ड्रग एक्टिंग ऑन ब्लड एंड ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन्स, जो ड्रग ब्लड के फॉर्मेशन या ड्रग के फॉर्मेशन के रिस्पॉन्सिबल ऑर्गन पे काम करते हैं उनके बारे में पढ़ोगे। एनीमिया क्या है, एनीमिया के साथ साथ जो प्रॉब्लम एसोसिएट होती है उसको ठीक कैसे कर सके, हीमेटेनिक्स कैसे होते हैं, प्लाज्मा वाले एक्सपेंडर क्या होते हैं, ये सब आपको मिल जाएगा। हीमेटेनिक्स है, ट्रीटमेंट ऑफ एनीमियास के अंतर्गत है, कोगुलेंट एंड एंटीकोगुलेंट है, ब्लड को क्लॉट कराने में मदद करने वाले हैं, और जो ब्लड क्लॉट हो चुका है इंटरनली उसको डिजॉल्व करके मदद करने वाले ड्रग भी इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं। ड्रग यूज इन डिसलिपिडेमियास, जो लिपिड का लेवल ज्यादा हो जाता है इसको कैसे मैनेज करें, उसके ड्रग कौन से हैं। अगला टॉपिक हमारा ड्रग अफेक्टिंग गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट GIT, ये भी मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आपके 6th सेमेस्टर के अंतर्गत अगर आप आओगे तो। इसमें एंटी प्लेटलेट एंड थ्रोम्बोटिक ड्रग्स, ये थोड़ा सा टॉपिक इसमें मिसमैच दिया गया है। फिर हम बात कर लेते हैं ड्रग थेरेपी फॉर पेप्टिक अल्सर एंड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल रिफ्लक्स डिजीज, यानी कि इसको हम लोग देखते हैं कि कैसे एसिडिटी हाइपर होती है हमारी, उसको आप देखोगे, एसिड कंसिलेशन के प्रोसेस क्या है, एंटासिड कैसे काम करता है, डिफरेंट ड्रग्स कैसे काम करते हैं, उसका यहां पे आपको मिल जाएगा। इसके बाद अगला है आपका फार्माकोथेरेपी फॉर नोजिया एंड वोमिटिंग, नोजिया जनरेट होती है तो उसके पीछे का क्या कारण है, वोमिटिंग होता है तो उसका क्या कारण है, कैसे ठीक करेंगे वो आप देखोगे। ड्रग ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया, अगर लूज मोशन होता है उसके पीछे का क्या लॉजिक है, कैसे ठीक करते हैं, क्या ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल है, क्या फिजियोलॉजी रिस्पॉन्सिबल है, इसके अंदर हम ये देख पाएंगे। नेक्स्ट है आपका ड्रग ट्रीटमेंट फॉर कॉन्स्टिपेशन, ऑब्वियसली उल्टा होगा आपके डायरिया का, उसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा कीमोथेरेपी, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये आप कोई भी डिसिप्लिन से बिलोंग करने वाले स्टूडेंट क्यों ना हो, इसमें से क्वेश्चन आते हैं और इसके क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। हमने सब कुछ अपलोड किया हुआ है, MCQs अपलोड किए, पूरे टॉपिक जो आप सुन रहे हो पढ़ रहे हो उसके MCQs अपलोड किए हैं हमारे सॉल्यूशन फार्मेसी के ऐप पे, तो चाहो तो उसको आप डाउनलोड करके MCQs को अटेंड कर सकते हो। 41 पार्ट्स हैं, मतलब 2000 से ऊपर के MCQs आपको मिल जाएंगे। कीमोथेरेपी के अंदर का जनरल कंसिडरेशन है, इसके बाद आपके टॉपिक्स वाइज शुरू होते हैं सल्फोनामाइड एंड कोट्रामोक्सोजोल, ये आपको मिल जाएगा, फ्लोरोक्विनोलोन्स मिल जाएंगे, क्विनोलोन्स मिल जाएंगे, पेनिसिलिन है, सिफेलोस्पोरिन है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स इसके अंदर मिल जाएंगे आपको, मैक्रोलिड एंड मिसेलेनियस antibiotics which are used for treatment of different types of infection, ये इसमें included है, anti tuberculosis drug है, अगर आप disease specific बात करोगे तो TB को ठीक करने वाले हैं, anti leprotic drug है, leprosy जो कुष्ठ रोग होता है उसको ठीक करने वाले drug है, anti fungal agent है, बहुत ज्यादा दिक्कत करता है ये fungals cutaneous हो या systemic को affect करते हैं। इसके बाद आप पढ़ोगे antiviral, आज के date में सबसे बड़ा दुश्मन कोई है यही है एंटीवायरल, वायरल ड्रग इसके ऊपर कैसे काम करते हैं हमारे एंटीवायरल ड्रग, ये हम पढ़ेंगे। इसके बाद आपका कीमोथेरेपी ऑफ मलेरिया, बहुत बड़ा दिक्कत था अब कम हो गया बट खत्म नहीं हुआ, मलेरिया के बारे में पढ़ेंगे। कीमोथेरेपी के बाद हम पढ़ेंगे एंटी एमीबिक ड्रग, अमीबियोसिस के बारे में सुना होगा आप लोगों ने, इसको ठीक करने वाले ड्रग के बारे में हम पढ़ेंगे, एंथेलमेंटिक ड्रग के बारे में हम पढ़ेंगे, कैंसर की कीमोथेरेपी के बारे में पढ़ेंगे, कैंसर इज बिकम नाउअडेज़ अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम और ये हमारे लाइफस्टाइल कम जो सराउंडिंग सिचुएशन है इनकी वजह से भी जनरेट हो रहा है, तो वो पढ़ेंगे कैसी फिजियोलॉजी है इसकी। एंटीमाइक्रोबियल के बारे में पढ़ेंगे हम, इसके बाद हम पढ़ेंगे एंडोक्राइन फार्माकोलॉजी, देखिए कितना बड़ा टॉपिक है खत्म ही नहीं हो रहा, कितने फास्ट तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो सो हर एक चीज आपको मिल जाएगा एक ही बुक में, ये अच्छी बात है कि आप बुक रखे हैं लेकिन एक बार जरूर ये
बुक देखिए विद डिस्काउंट, इसका डिस्काउंट के साथ आपको मिल रहा है कोलैबोरेशन के थ्रू, तो ये आप यहां पे देख सकते हैं। एंडोक्राइन फार्माकोलॉजी के अंदर आप पढ़ोगे हाइपोथैलेमिक एंड एंटीपिट्यूटरी हार्मोन्स, फिर पढ़ेंगे आप थायराइड हार्मोन एंड देयर इनहिबिटर्स और एंटीथायरॉइड को हम लोग सेम बोलते हैं, फिर आप पढ़ेंगे फार्माकोलॉजी ऑफ एस्ट्रोजन एंड रिलेटेड ड्रग्स, एंड्रोजन एंड एनाबोलिक स्टेरॉइड्स, फिर पढ़ोगे आप ड्रग फॉर इरेक्टाइल डिसफंक्शन, इज नॉट अ पार्ट ऑफ फार्माकोलॉजी इन आवर सेमेस्टर, बट एक सेक्शन जरूर इसके अंदर यूज किया गया है, तो आप इस पे टॉपिक देख सकते हो सिक्स सेमेस्टर के अंदर। फिर हम बात करेंगे ड्रग फॉर एंटी डायबिटिक, ड्रग फॉर डायबिटीज कंडीशन, डायबिटिक को ठीक करने वाले ड्रग, एंटी डायबिटिक ड्रग, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट और इंसुलिन के डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे हम इसके अंदर। फिर है हमारा कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ड्रग अफेक्टिंग कैल्शियम बैलेंस, देन आएगा ड्रग एक्टिंग ऑन यूट्रस, ऑक्सीटोसिन एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ अदर ड्रग्स, ये आपको इसी के अंदर मिल जाएगा। फिर लास्ट में है मिसेलेनियस, जिसके अंदर जो बच्चे के टॉपिक है वो इंक्लूड किए गए हैं, जैसे किलेटिंग एजेंट एंड हैवी मेटल पॉइजनिंग, ये आपके सिलेबस का ही है। उसके बाद आप पढ़ोगे इम्यूनोसप्रेशन एंड इम्यूनोस्टिमुलेंट, ये भी आपके सिलेबस का है। फिर हम पढ़ेंगे वैक्सीन एंड सीरा, फिलहाल ये भी आपके सिलेबस में नहीं इंक्लूड है फार्मेसी के। नेक्स्ट है एंटीऑक्सीडेंट, यूजफुल है। फिजियोलॉजिकल फंक्शन एंड एसेंशियल बायो एलिमेंट्स इन ह्यूमंस, ये भी अभी फिलहाल सिलेबस में नहीं है। मिनरल्स है। डर्मेटोफार्माकोलॉजी, ये आपके लिए नहीं है फार्मेसी वालों के लिए, एमबीबीएस वालों के लिए है। जीन थेरेपी हाँ है, ये काम आएगा आपको आगे आने समय में। एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट माइक्रोबायोलॉजी में भी है, इसमें भी काम आएगा। ड्रग थेरेपी फॉर मेडिकल इमरजेंसीज एंड ड्रग फॉर ऑक्यूलर डिसऑर्डर, एसेंशियल मेडिसिन, फिक्स डोज कॉम्बिनेशन, ये आपके सिलेबस का एक पार्ट है। इसके अलावा मैं आपको एक सैंपल चैप्टर भी दिखा रहा हूं, दैट इज रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि एक पहले टॉपिक में से है, बेसिक टॉपिक में से है। इसको कैसे समझा जा सकता है? रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन मतलब है कि आप ड्रग्स को जो कि अलग अलग डोजेस फॉर्म के होंगे, इनको कैसे आपकी बॉडी में इंट्रोड्यूस करोगे। सॉलिड है, ओरल रूट से जाएगा, लिक्विड है तो ओरल रूट से भी जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द ड्रग यूज, या अगर ये लिक्विड ही है बट पैरेंटल के फॉर्म में तो आईवी, आईएम या एससी, इन अलग अलग रूट से जाएंगे। इनहेलेशन से जाएगा, टॉपिकल से जाएगा, बक्कल से जाएगा, सबलिंगुअल से जाएगा, किससे जाएगा और क्यों जाएगा, किस बात पे ये डिपेंड करते हैं, इनकी जानकारी आपको मिल जाएगी डायग्राम के साथ साथ सिंपल लैंग्वेज में, पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन किया गया है, वहां से भी आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड करना चाहें तो वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये हर एक चीज आपको यहाँ पे मिल जाएगी, रूट को कैसे दिया जाता है उसके डायग्राम से ये एक्सप्लेन किया गया है। और सबसे लास्ट में सबसे जरूरी चीज है जो कि आप देख सकते हो हाईलाइटेड है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे उस टॉपिक से रिलेटेड, यानी कि जो भी कुछ पढ़ा समझा आपने उसके क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपको सिलेक्ट करना है। आंसर का जस्टिफिकेशन है कि ये आंसर क्यों दिया हुआ है, सपोज ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर ए है तो क्यों हो सकता है, इसका चार पांच लाइन में जस्टिफिकेशन दिया गया है, ऐसे सभी चैप्टर के आपको मिल जाएंगे। तो एक कंप्लीट बुक है, इट्स अ कंप्लीट टेक्स्ट बुक है, हर एक चीज जो कि आपके फार्मेसी के सिलेबस में है आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। सो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा एज ए टीचर कि आप अपने लाइब्रेरी को हो सके तो धीरे धीरे बढ़ाते जाइए, और उस लाइब्रेरी में ये जो फार्माकोलॉजी की किताब है, नई किताब है, लेटेस्ट है, बहुत अच्छी इंटरनेशनल पब्लिकेशन की है, टेक्स्ट बुक ऑफ फार्माकोलॉजी बाय भंडारी सर, ये आप जरूर देखिएगा, इसमें मैक्सिमम चीजें आपको मिल जाएंगी। डिस्काउंट कूपन अप्लाई करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइएगा, उसको सर्च करिएगा टेक्स्ट बुक ऑफ फार्माकोलॉजी बाय भंडारी, उसको कार्ड पे अपने जो कार्ट है ना जहां पर रखते हैं शॉपिंग, उस कार्ट पे डालिएगा, फिर चेकआउट करते टाइम कूपन कोड जो है पटेल 30 इसे अप्लाई करिएगा, डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। वैसे भी पहले डिस्काउंट है और अधिक डिस्काउंट मिल जाएगा। सो अगर आप चाहते हैं सबको ग्रैब करना तो आपके पास समय है, लेकिन समय जल्दी निकल सकता है, इसलिए जस्ट सून एज पॉसिबल इसे आप अपना बना सकते हैं। सो फ्रेंड, अगर कुछ और अधिक जानकारी चाहिए आपको इस बुक से रिलेटेड, या कुछ और टॉपिक देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है डिटेल वीडियो का, वो देख लें, फिर वहां से भी अगर कोई डाउट बचता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपके आंसर का आपके क्वेश्चन का आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।